बिहार के सुपौल में 25 रुपए के लिए बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मटकुरिया का है। यहां दुकानदार से सिर्फ 25 रुपए के लिए बदमाशों का झगड़ा हुआ और ताव में आकर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार की मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूटा और घंटों तक लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हो गई है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में QR कोड के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिए एक शख्स को निशाना बनाया और उसके खाते से 95,000 रुपए साफ कर दिए। ठगी होने के बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है, मगर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देह व्यापार का धंधा तो करते ही थे, साथ ही ग्राहकों के साथ लूटपाट करते थे। मामला थाना सेक्टर 24 का है। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे हुए रुपए, एक वैगनआर कार और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने अब तक कितने लोगों के साथ लूटपाट की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और ग्राम प्रधान की दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के सराय ख्वाजा बाजार का है। यहां दोपहर करीब 3 बजे ग्राम प्रधान को गोली मारी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर उपद्रव किया। लोगों ने पुलिस की 3 गाड़ियां तोड़ दी। आक्रोशित लोगों ने शव को करीब 4 घंटे सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आखिरकार पुलिस के समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के कासगंज कांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों पर हमला करने और एक सिपाही की हत्या करने के मामले में पुलिस ने दबिश दी। आरोपियों ने पुलिस पर एक बार फिर फायरिंग की, मगर मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी गुड्डू और रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती की मदद कर रहे थे। इन्हीं दोनों ने मोती की भागने में भी मदद की। पुलिस अब इन आरोपियों के जरिए मोती की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि मोती पर 1,00,000 रुपए का इनाम है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस के हत्थे एक ऐसा आरोपी चढ़ा है जिस पर मुक्तिधाम में चोरी का आरोप लगा है। ये तस्वीरें देखिए, ये खरगोन में कुंदा नदी के किनारे बने मुक्तिधाम की तस्वीर है। यहाँ ये शख्स आता है और मुक्तिधाम के सामानों पर हाथ साफ करता है। आरोपी को एहसास होता है कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, लिहाजा आरोपी इसे तोड़ने की कोशिश भी करता है। आखिरकार आरोपी सामान चुरा कर भाग जाता है, मगर CCTV की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। बिहार के हाजीपुर में अवैध खनन में लगे एक ट्रैक्टर ने पिता पुत्री को कुचल दिया, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी की स्थिति नाजुक है। मामला महनार के मुरवतपुर का है। इस भयानक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और आक्रोशित लोग पुलिस से भिड़ गए। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को भी अपने घेरे में लेने की कोशिश की, मगर पुलिस ने किसी तरह से ड्राइवर को बचा लिया। हंगामा इतना ज्यादा था कि पुलिस को आरोपी को दूसरे थाने में ट्रांसफर करना पड़ा। यूपी के मेरठ में एक कार आग का गोला बन गई। मामला किठौर थाना क्षेत्र का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कार आग का गोला बन गई। जलती हुई कार देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कार की चपेट में दूसरे वाहन नहीं आए। कार में आग कैसे लगी, इस बात की पड़ताल की जा रही है। नोएडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पुलिस की कस्टडी के अपहरण और हत्या का आरोपी गायब हो गया। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था। सोमवार की रात को ही पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी, लिहाजा इलाज कराने के लिए पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल ले गई थी, लेकिन आरोपी गायब हो गया। आखिरकार पुलिस ने 5 घंटे की मशक्कत की तो मालूम चला कि आरोपी अस्पताल में ही छिपा था। पुलिस ने आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बक्सर में 24 साल के एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सिमरी थाना क्षेत्र के सहियार बाजार का है। जानकारी के मुताबिक किसान अपने टमाटर के खेत की रखवाली करने खेत गया था, जहां उसके सिर में गोली मारी गई। परिजनों को खून से लथपथ शव खेत में ही मिला। हत्या किन वजहों से हुई, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है।